ओके सो यहाँ से शुरू करते हैं. सो सातक प्रभु जी, व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? राधा रानी कृष्ण एंड गौ माता हाँ, और लिखा क्या हुआ है? व्हाट इज रिटन? कम रूल फॉर राइट फॉर राइट आगे ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा. यस. और इसका मतलब क्या होता है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा. हमें कृष्णा को हमेशा याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए उन कृष्णा को. हाँ, हरी बोल, वेरी नाइस. हमें कृष्णा को हमेशा याद रखना चाहिए. हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, हम खेल रहे हो, हम प्रसाद पा रहे हो, हम कुछ भी कर रहे हो, हमें कृष्णा को हमेशा याद रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए. ठीक है? ओके, परफेक्ट. सो लेट्स लेट्स डू मंगलाचरण. यस, गो अहेड बेटा. ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुषुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वप्रदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुधापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवाष्टकं श्रीरूपं साक्रजातम् सैगंडरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानः सैगंडलिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्राणमामि हरि प्रिया वांछाकल्पतरूपेश्वर कृपासुतुभयेव च. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे रामा रामा हरे हरे. नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्च केवेशताने. जय श्री कृष्ण. चैतन्य हरि बोल, होल वर्ल्ड तारने. श्रील प्रभुपाद की जय. थैंक यू सो मच सार्थक प्रभु जी. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग मंगलाचरण फॉर अस. सो बिग 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 हरि बोल फॉर सार्थक प्रभु जी. थैंक यू. सो सिंस वी आर डूइंग प्रेयर्स, वी आर डूइंग श्लोकास फ्रॉम श्रीमद भागवतम, वील डू प्रेयर्स फ्रॉम श्रीमद भागवतम एज वेल. एंड हरे कृष्ण भव्य माता जी, दंडवत प्रणाम. थैंक यू सो मच, सो नाइस टू सी यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. यस, हरे कृष्ण रियांश प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण, हाउ आर यू बेटा? माय हरे कृष्ण त्रिशी माता जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन माता जी. हरी बोल. ओके, सो वी डन मंगलाचरण. नाउ वील डू प्रेयर्स फ्रॉम श्रीमद भागवतम. सो ऑल ऑफ यू कैन रिपीट दिस आफ्टर मी. ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य. नारायणं नमस्कृत्य. नरं चैव नरोत्तमम्. नरं चैव नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासम्. ततो जयाम उदीर्यत. ततो जयाम उदीर्यत.
नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी हरी बोल। थैंक यू सो मच। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोका, ये है कैंटो 1 का चैप्टर 2 का श्लोका नंबर 15। बट बिफोर वी स्टार्ट रिसाइटिंग द श्लोका हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो वी विल बी डूइंग कैंटो 1 क्रिएशन, चैप्टर 2 डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, श्लोका नंबर 15। ओके, अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, आप उस पिक्चर में देखकर बताना कि आपको उस पिक्चर में क्या समझ आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पिक्चर। ओके ओके माता जी, सो आप आराम से देखो, वॉच इट आराम से। उससे खेल रही है। हाँ, और खेलते खेलते क्या हो रहा है, आराम से देखो, गिव इट 30 सेकंड्स, ठीक है मैम? जी बेटा, ये और मैम वो खेलते खेलते उसमें वो लिपट गई है। हाँ, इंटेंगल हो गए है ना। यस मैम। व्हाट एल्स, और क्या दिख रहा है हमें? माता जी, और वो भाग भी रही है। Yes. और आपको ये क्यों कैट फंस रही है वूल के अंदर, क्यों फंस रही है, व्हाट इज द कैट डूइंग? मैम क्योंकि माता जी, क्योंकि उसने इतना सारा वूल निकाल लिया और वो खेरी जा रही है ऐसे कि मैम वो ना उस पे खुद ऐसे मतलब एकदम। हाँ, यस, तो वो अपने पहला उलझ गया। यस भव्य माता जी, तो वो उसमें से निकलने की भी कोशिश कर रही है, वो पहला हाथ डालती है फिर दूसरा हाथ डालती है पर और फंस जाती है इसके अंदर, है ना? So with every action the cat is getting entangled, मतलब हर एक action के साथ वो और फंसती जा रही है, ठीक है? So ये हमारे साथ भी होता है कि हम बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, अच्छे बुरे, और हर काम के साथ हम फंस जाते हैं। कहाँ फंस जाते हैं? इस material world के अंदर, ठीक है? So let's look at the next picture. So, ये क्या हो गया, एक मैन है वो फंस गया है ना। अब इसकी हेल्प कैसे करें, तो फंस गया है ना, किसी ने ये किसी रस्सी के अंदर फंस गया, इसकी हेल्प कैसे करें? सो लेट्स थिंक क्या करें। अचानक उसको एक आइडिया आता है, ठीक है? अब उसको आइडिया आता है तो वो कुछ लेकर आता है, लेट्स सी वो क्या लेकर आता है। सो वो मैन क्या लेकर आया अपने साथ? मैम मैम वो एक नाइफ, बड़ा सा नाइफ लेके आया अपने साथ। हाँ, एक बड़ा सा नाइफ लेकर आया, राइट? भव्य माता जी, क्या है, व्हाट इज इट दैट यू सी? वो नाइफ है, बड़ा सा नाइफ है। यस, और सार्थक प्रभु जी, इसके हाथ में क्या है? माता जी, उसके हाथ में एक बड़ा नाइफ है वो। हाँ, चल, नाइफ है। और यजुषी माता जी, हरे कृष्ण यजुषी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, आपको उस बॉय के हाथ में क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट डज ही हैज इन हिज हैंड? माता जी, स्वॉर्ड है और शील्ड है। हाँ, यस, इट्स अ स्वॉर्ड। तो वो एक स्वॉर्ड लेकर आता है, वो कहते हैं ठीक है, लेट मी, अब मैं फंस गया हूँ तो मैं स्वॉर्ड से अपनी रस्सी को काट दूंगा, ठीक है? तो वो मैन क्या कर रहा है, वो स्वॉर्ड यूज कर रहा है वो रस्सी को काटने के लिए। ओके, सो जो रस्सी क्या है, ये रस्सी इज बेसिकली हम अपने एक्शंस और रिएक्शन से जब हम फंस जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड में तो ये रस्सी बनती है, गांठ बनती है। और जो स्वॉर्ड है जो उस रस्सी को काटती है, ये है स्टोरीज ऑफ कृष्णा, यानी कि ये
भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाएं हैं, उनके भक्तों के बारे में स्टोरीज हैं, और ये सारी कहाँ मिलती है हमें? ये हमें मिलते हैं श्रीमद् भागवतम में, यानी जो श्रीमद् भागवतम बुक है उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, जो उस तलवार की तरह है, उस नाइफ की तरह है, जो हमें इस रस्सी से, इस बंधन से मुक्त करेंगी। ठीक है, सो यही आज का हमारा श्लोक है, दिस इज व्हाट वी विल लर्न टुडे। ऑलराइट, यू ऑल अंडरस्टैंड बेटा? यस, ओके, यस माता जी। हरे कृष्णा आदर्श प्रभु जी। So we'll start with the meaning of the shloka and before that we'll do shabdarth Hindi mein, theek hai? So Yadushri Mata ji, aap ye Hindi ka shabdarth pad sakte hai aur hum aapke piche repeat kar lenge. So we'll repeat after Yadushri Mata ji. So Yadushri Mata ji Sanskrit ka word padhenge, fir Hindi ka meaning padhenge aur hum unke piche repeat karenge. Okay? Yes Mata ji. Yad jo. Yad? Yad jo. Jo. अनुध्या स्मृति रूपी असीना तलवार से, असीना तलवार से, तलवार से युक्त कर्म की ग्रंथि गांठ, ग्रंथि गांठ, निबंधनम बंधी हुई, छिन्दंती काटते हैं, कोविदा बुद्धिमान, तस्य उसका, कह कौन ना नहीं कुर्यात करेंगे कथा संदेश कथाएं रतिम ध्यान। हरी बोल। तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं, अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। हरी बोल। थैंक यू सो मच यजुश्री मेहता जी। सो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जैसे हमने देखा वो बॉय तलवार लेकर आया था, तो वो बॉय क्या था, इंटेलिजेंट था। तो श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथियों यानी गांठों को काट देते हैं। तो वो तलवार जो है वो एक्चुअली में तलवार नहीं है, हमें एक्चुअली में लाइफ नहीं लेकर आना है, हमें क्या करना है, हमें भगवान की कथा सुननी है, भगवान के पास टाइम सुनने हैं। लिटिल कृष्णा जैसे आप लोग देखते हो, कौन कौन देखते हैं लिटिल कृष्णा? मेरे को अभी भी बहुत पसंद है, मैं हमेशा देखती हूँ एंड इट्स माई फेवरेट। तो हम लिटिल कृष्णा देख सकते हैं। यह शीतल माता जी, हरे कृष्ण शीतल माता जी, हरे कृष्ण श्रेया माता जी, So हमें क्या करना है, हमें भगवान की कथाओं को सुनना है, और वो ही कथाएं इज एक्चुअली स्वॉर्ड, मतलब वो जो भगवान के कथाएं हैं, वो जो लिटिल कृष्णा है, वो एक्चुअली में वो स्वॉर्ड है जो हमें फ्री कर देगा, है ना? तो ये पूछा रहा था, अतः ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश को ध्यान से नहीं सुनेगा, ऐसा कौन होगा जो भगवान के पास टाइम्स को ध्यान से नहीं सुनेगा, है ना? जो लेस इंटेलिजेंट लोग होंगे सिर्फ वो ही नहीं सुनेंगे, जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो इन पास्ट टाइम्स को ध्यान से सुनना चाहेंगे, भगवान के पास्ट टाइम्स को, है ना? तो हम एक बार इसका मीनिंग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सो श्रेयम माता जी, आप इंग्लिश में मीनिंग पढ़ दोगे बेटा? यस माता जी। विद स्वॉर्ड इन हैंड इंटेलिजेंट मैन कट थ्रू द बाइंडिंग नॉट्स ऑफ रिएक्शनरी वर्क कर्म बाय रिमेंबरिंग द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, देयरफॉर हु विल नॉट पे अटेंशन रिएक्शनरी वर्क विच इज कर्मा बाय रिमेम्बरिंग द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड। हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं? थ्रू लिसनिंग टू पास्ट टाइम्स ऑफ श्रीमद् भागवतम।
तो ऐसा काम कौन है जो ऐसा काम नहीं करेगा? सिर्फ वही जो इंटेलिजेंट नहीं है, और हम सब लोग तो बहुत इंटेलिजेंट, आप सब लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना? That is the reason why all of you are here to learn shlokas. So we learn the shloka. हाँ जी बेटा. मैम जो less intelligent होते हैं उनको नहीं पता होता कि वो भगवान की जो मतलब कथाएं होती है मैम वो आगे जाके काम आएगी. और मैम जो मतलब इंटेलिजेंट लोग होते हैं भगवान ही आगे काम आएगा, भगवान की कई आगे जाके आएंगी. हाँ yes. So the intelligence of a person can be judged by how much the person is interested in the Krishna katha. मतलब भगवान की कथाओं में कितना interest है लेते हैं, उसी से उसकी intelligence का पता चलता है. ठीक है? So मैं आपको एक story सुनाती हूँ before we start the shloka. बहुत interesting story है. एक बार चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए थे टूर, साउथ इंडिया के टूर में. तो वहां पर एक मंदिर में ना उनको एक ब्राह्मण दिखा जो ना भगवद गीता की बुक खोलकर ना बस रो ही जा रहा था. वो पेज पलट रहा था और रो रहा था. और वहां पर बाकी सारे ब्राह्मण ना उसके ऊपर हंस रहे थे. तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो, ये कौन है, क्यों रो रहे हैं, ये जो भक्त है ये भगवद गीता पढ़कर क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बोला इसको तो पढ़ना ही नहीं आता, ये तो अनपढ़ है, ये तो बस इसको भगवद गीता खोलकर बस ऐसे पेज पलटता रहता है और रोते रहता है. तो चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे रोज भगवद गीता पढ़नी है, पर मुझे पढ़ना लिखना तो नहीं आता, पर मैं भगवद गीता में जो पहला फ्रंट में जो पिक्चर है उसमें ये देखता हूँ कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए अपने भक्त के लिए सारथी बनने के लिए भी तैयार हो गए, उनके सर्वेंट बनने के लिए भी तैयार हो गए, भगवान अपने भक्त के लिए उनके नौकर बनने के लिए भी तैयार हो गए. ये देखकर मेरे आंखों में आंसू आ जाते कि भगवान कितने करुणामय है. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यू आर द बिगेस्ट डिवोटी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. तुम पढ़े लिखे नहीं भी हो तब भी यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट, क्योंकि तुम भगवान के बारे में याद कर रहे हो. सो व्हाट आर यू डूइंग बाय रिमेम्बरिंग कृष्णा, यू कटिंग दी नॉट्स ऑफ योर कार्मिक रिएक्शन, है ना? सो इंटेलिजेंट होने के लिए जरूरी नहीं है कि यू हैव टू बी अ स्कॉलर. इंटेलिजेंट होने के लिए होना चाहिए कि यू शुड हैव लव फॉर कृष्ण कथा. ठीक है? सो वी लर्न द श्लोका. बहुत इंटेलिजेंट. हरे कृष्ण शीतल माता जी, डू यू वांट टू से समथिंग बेटा? नो मैम. ओके, हरे कृष्णा. सो वी लर्न द श्लोका. वी विल डू वर्ड बाय वर्ड, सो ऑल ऑफ यू कैन रिपीट आफ्टर मी. सार्थक प्रभु जी, जो भागवतम बुक में जो श्लोका है जो हिंदी वाला है, अगर आपके पास हिंदी भागवत है तो वो वर्ड्स कंबाइन करके लिखे हैं, मैंने ब्रेक करके लिखे ताकि वो बोलने में उच्चारण करने में आसान हो. ठीक है? ओके, तो हम फर्स्ट लाइन करेंगे. यद यद अनुध्या अनुध्या सिना सिना युक्ताः युक्ताः. So all of you can repeat this one more time. You can unmute yourself. आप लोग unmute करके repeat कर सकते हो. यद यद अनुध्या अनुध्या सेना अनुध्या सेना 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 युक्ताः 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 यद अनुध्या यद अनुध्या सिना युक्ता सिना अनुध्या अस्मिना युक्ता यद अनुध्या यद अनुध्या सिना युक्ता सिना युक्ता यद अनुध्या यद अनुध्या सिना युक्ताः सिना. अब हम पूरी लाइन पढ़ेंगे. ठीक है? यद अनुध्या सिना युक्ताः यद अनुध्या सिना युक्ताः
वन लास्ट टाइम ओके यद अनुध्यासिना युक्तः परफेक्ट वेरी नाइस ओके सो वी'ल डू द सेकंड लाइन कर्म कर्म ग्रंथि ग्रंथि निबंधनम कर्म क्रम कर्म ग्रंथि निबंधनम निबंधनम कर्म ग्रंथि निबंधनम निबंधनम कर्म ग्रंथि निबंधनम निबंधनम कर्म ग्रंथि निबंधनम निबंधनम अब हम पूरी लाइन बोलेंगे इकट्ठे कर्म ग्रंथि निबंधनम वेरी नाइस हरि बोल हरे कृष्ण वृत्ति माता जी सो वील डू द फर्स्ट टू लाइन टूगेदर नाउ जस्ट गिव मी वन माता जी आई एम गोइंग टू वॉश ओके बेटा श्योर भव्य माता जी श्योर हरे कृष्ण वृत्ति माता जी हरे कृष्ण माता जी सॉरी फॉर लेट जॉइनिंग बिकॉज़ आई फॉरगॉट टू जॉइन नो प्रॉब्लम दैट्स ओके सो वी विल डू द फर्स्ट टू लाइंस अगेन वृत्ति माता जी हम अब स्टार्टिंग से कर रहे हैं ठीक है सो यद अनुध्या यद अनुध्या सिना युक्ताः कर्म ग्रंथि आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही बेटा ओके इज द स्क्रीन विजिबल फॉर एवरीबडी एल्स यस यस माता जी कर्म ग्रंथि हाँ बेटा हाँ आई विल सेंड इट निबंधनम क्या ना एक आप पूरी पूरी लाइन करके करेंगे यद अनुध्यासिना युक्तः यद अनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम कर्म ग्रंथि निबंधनम वेरी गुड सो नाउ वी विल डू द थर्ड लाइन छिंदन्ति कोविदास कोविदास तस्य वेरी गुड छिंदन्ति कोविदास्तस्य परफेक्ट वन लास्ट टाइम ओके छिंदन्ति कोविदास्तस्य परफेक्ट अब हम पूरी लाइन को बोलेंगे एक बार और बोलेंगे ठीक है भव्य माता जी नाउ यू कैन लिसन केयरफुली ओके इट्स छिंदन्ति कोविदास्तस्य अब पूरी लाइन बोलेंगे छिंदन्ति कोविदास्तस्य परफेक्ट एंड डोंट वरी अगर आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस नहीं हो रहा सो जब हम इंडिविजुअल रिसाइटेशन करेंगे ना सो दोज वर्ड्स विल बी क्लियर ओके So we have the last line. Kaun?
अपन कुर्यात कुर्यात कथा कथा रतिम रतिम कौन कुर्यात कौन कुर्यात कथा रतिम कथा 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 रतिम अब लास्ट टाइम फुल लाइन करेंगे कौन कुर्यात कथा रतिम कौन कुर्यात कथा रतिम परफेक्ट एक बार लास्ट टू लाइंस को बोलेंगे एंड देन वी विल रिसाइट द होल श्लोक ओके छिंदंती छिंदंती कोविदास्तस्य कोविदास्तस्य कौन कुर्यात कौन कुर्यात कथा रतिम कथा रतिम छिंदंती कोविदास्तस्य छिंदंती कोविदास्तस्य कौन कुर्यात कथा रतिम कौन कुर्यात कथा रतिम वेरी नाइस शीतल माता जी हरी बोल अब एक बार वो पूरा श्लोक एक बार एक एक करके लाइन करके करेंगे पहले ब्रेक करकर देन फुल लाइंस ओके यद अनुध्या यद अनुध्या सिनायुक्तः सिनायुक्तः हरे कृष्णा अनिका माता जी यू आर जस्ट ऑन टाइम वी आर जस्ट रिवाइजिंग द फुल श्लोक राइट फ्रॉम द बिगनिंग ओके You're able to see my screen, Anika Mataji? Yes, Mataji. Okay, perfect. So we're doing from the first line. Yad Anudhya. Yad Anudhya. Sina Yuktaha. Sina Yuktaha. Karma Granthi. Karma Granthi. Nibandhanam. Nibandhanam. Chindanti. छिंदन्ति कोविदास्तस्य कोविदास्तस्य कौन कुर्यात् कौन कुर्यात् कथारतिम् कथारतिम् अब फुल लाइन करेंगे ओके यद् अनुध्यासिना युक्तः यद् अनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदास्तस्य छिंदन्ति कोविदास्तस्य कौन कुर्यात् कथारतिम कौन कुर्यात् कथारतिम हरि बोल हरि 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 बोल वेरी नाइसली रिसाइटेड Now we'll do individual recitation so that all of you can individually practice. Okay? So you can raise your hand on the app and then we can individually recite. Okay? So Sheetal Mataji, do you want to recite the shloka? Yes, Mataji. Okay. You want to try on your own or you want to? Yes, Mataji. Perfect. Okay. Yad anudhyasina yuktaha. कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदास्तस्य कौन कुर्यात् कथारतिम हरि बोल हरि 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 बोल शीतल माता जी वेरी क्लियरली रिसाइटेड एंड वेरी ब्यूटीफुली रिसाइटेड सो बिग 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 हरि बोल फॉर यू हरि 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 बोल थैंक यू सो नेक्स्ट वी हैव सार्थक प्रभु जी वांट टू साइड रिसाइट द श्लोक यस माता जी Yes, go ahead. Yad anudhyasina yukta karma granthi nibandhanam chindanti kovidastasya kon kuryat katharatim. Hari Hari bol Satyak Prabhuji very nicely. And like when we recite a shloka, there is a meter, there is a tune in which you recite the shloka. So
साधक प्रभु जी, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट मीटर में यू रिसाइटेड श्लोका एंड ऑल योर वर्ड्स वर वेरी क्लियर, सो वेरी वेरी नाइसली रिसाइटेड. मोस्ट वेलकम. अ बिग हरी 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 बोल साधक प्रभु जी. हरी बोल. ओके, सो आफ्टर साधक प्रभु जी वी हैव शीतल माता जी. शीतल, सॉरी, प्रीति माता जी. प्रीति माता जी, डू यू वांट टू रिसाइट द श्लोका? यस माता जी. हां, यू वांट टू रिसाइट ऑन योर ओन? यस माता जी. ओके, परफेक्ट, गो अहेड. यद् अनुध्यासिना युक्तः कर्मग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कुविदास्तस्य कौन कुर्यात् कथारतिम्. हरि 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 बोल वृत्ति माताजी. वेरी वेरी नाइसली रिसाइटेड एंड यू ऑलरेडी हैव सच अ स्वीट वॉइस. सो जब ऑल योर लिटिल डिवोटीज, व्हेन यू एक्चुअली योर बिग डिवोटीज, your little Vaishnavas but big devotees, so when you recite with this sweet voice, the shloka is already nectarian and it becomes even more sweeter. So thank you so much Preeti Mataji, very very nicely recited and perfectly recited. So big hari bol for you. Okay, hari. So we have Hare Krishna. So we have Shreya Mataji, and then after that we have Shreya Mataji. Shreya Mataji, do you want to recite next better? Yes, ma'am. Yes, go ahead, Peter. Yad anudhyasina yuktah karma granthi nibandhanam chindanti kovidastasya karna puryat katharatam. Hari, 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 bol. Shreya Mataji perfectly recited, very nicely recited and sung exactly how it needs to be sung. So big hari bol for Shreya Mataji. And thank you so much for coming. Hari 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 bol for big hari 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 bol. Okay, then we have Yadushri Mataji and Pishi Mataji. Yes. Yes. Yad anudhyasina yuktah karma granthi nibandhanam chindanti kovidastasya प्रेयर. जैसे हम यज्ञ करते हैं ना, जब सब लोग इकट्ठे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सो इट साउंड सो प्लीजिंग टू द हार्ट. आई मीन इट साउंड लाइक म्यूजिक टू द हार्ट. सो इट इज एग्जैक्टली हाउ इट साउंडेड. सो बिग हरि बोल फॉर यू. All of you, if you can find a partner to learn the shloka like we have Yajushri Mataji and Prishi Mataji, then it'll be amazing. So, क्योंकि आप जब अपने brother sister के साथ करोगे ना, तो आपको shloka learn भी अच्छे से होगा और जब आप इकट्ठे recite करोगे तो बहुत अच्छा भी sound करेगा, right? So thank you so much. Big hari bol for Yajushri Mataji. Yes, beta. Hare Krishna Mataji. Mataji, Kashi भी कह रहे हैं. Kashi, हाँ, yes, Kashi Mataji, do you want to sing? यद् अनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रन्थि निबन्धनम् वेरी गुड् छिन्दन्ति कोविदास्तस्य कौन कुर्यात् कथारतिम्. Hari 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 bol Kashi Mataji. Very very Kashi Mataji, very very nicely recited. How old are you Kashi Mataji? How old are you? Aap kitne years ke ho? Mataji 9 years. Ha, very nice. Aur humne bahut acche se recite kara at such young age. You have recited this shloka so nicely. So big hari bol for you. Hari. Thank you. So we have Anika Mataji. Anika Mataji, do you want to recite the shloka? Yes, Mataji. Yes. Yad anudhyasina yukta karma granti nibandhanam chindanti kovidastasya kona kuryat katharatin. Perfect recitation. I mean, all your words were perfectly recited. This is how you need to recite each and every word. So big hari bol for you. If you repeat all of these shlokas again and again
एंड ट्राई कि कहीं लिख लो. जैसे हाउ व्हाट आई डू इज व्हेन आई लर्न श्लोका आई राइट इट डाउन ऑन अ A4 साइज पेपर एंड आई स्टिक इट ऑन माय कबर्ड. आई हैव अ कबर्ड व्हिच इज मेड आउट ऑफ स्टील सो इट्स यू नो आई स्टिक इट ऑन इट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट और द फ्रिज. सो व्हेनेवर आई गो बाय आई जस्ट रीड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो द मोर यू रीड इट द मोर यू रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर. ठीक है निका माता जी. ठीक है. सो बिग 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 हरि बोल फॉर यू. थैंक यू. थैंक यू. Hari Hari Bol. Hari 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 Bol. Okay, so now Riyansh Prabhuji is left and Shanaya Mataji is left. So Riyansh Prabhuji, Shanaya Mataji, you want to try, beta? Yes, Mataji. And Bhavya Mataji is left. Sorry, I forgot. Bhavya Mataji is left. Bhavya Mataji, do you want to try? Yes, okay. Mataji, after you. हाँ थैंक यू. थैंक यू सो मच श्रेया माता जी. कैन यू डू आफ्टर भव्य माता जी. इज इट ओके. यस माता जी. थैंक यू. ओके भव्य माता जी आफ्टर मी. ठीक है. यद अनुध्या. यद अनुध्या. वेरी गुड. सिना युक्तः. सिना युक्तः. वेरी नाइस. कर्म ग्रंथि. कर्म ग्रंथि. निबंधनम. निबंधनम. चिंदन्ति. चिंदन्ति. कोवितास्तस्य. कोवितास्तस्य. परफेक्ट. कौन कुर्यात. कौन कुर्यात. कथारतिम. कथारतिम. ओ सो स्वीट. हरि 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 बोल. यू भव्य माता जी यू रिसाइटेड सो स्वीटली और आपके सारे वर्ड्स इतने यस बिग हरि बोल इतने क्लियर थे. आपके सारे वर्ड्स मतलब दे वेरी क्लियर. सो बिग बिग हरि बोल फॉर यू भव्य माता जी. हरि 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 बोल. थैंक यू माता जी. थैंक यू सो मच फॉर रिसाइटिंग फॉर अस. So we have Shanaya Mataji. Yes, Mataji. Shanaya Mataji, do you want to repeat after me or do you want to try on your beta? Ma'am, I want to try on me. Ha, okay, perfect. Sure, go ahead, beta. Yes, ma'am. Mataji. Yad anudya sinayukta karma granti nibandhanam chindanti kovidastasya kona कौन कुर्यात कथारतम. वेरी नाइस परफेक्ट रिसाइटेशन. ऑल ऑफ यू आर बिग बिग सीनियर डिवोटीज. सो ऑल ऑफ यू ऑलरेडी वैकुंठ चिल्ड्रन. सो बिग 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 हरि बोल फॉर श्रेया माताजी. वेरी नाइसली रिसाइटेड. हरि 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 बोल. मुस्कुराओ बेटा. सो रियांश प्रभु जी इज लेफ्ट. रियांश प्रभु जी आप मेरे साथ रिसाइट करोगे बेटा श्लोका. यस माताजी. ओके so you'll repeat after me. मेरे पीछे repeat करोगे? नहीं माता जी, अपने आप करूँगी. अपने आप करोगे? Very nice. Go ahead. Definitely. यत अनुदस्सिनायुक्तः कर्मग्रंथि निबद्धनम् चिन्तन्ति कोविदस्तस्य कौन कुर्यात् कथारतिम्. Very nice, Riyansh Babuji. Very nicely recited. Perfect recitation. Very, very beautifully recited. Big, 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 big Hari Bol for Riyansh Prabhuji. Hari, 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 Hari Bol. So what we'll do is, sorry. So we will recite the whole shloka together one more time. And we'll recite the meaning also together. And then we'll end the class today. What you need to do is, you need to make sure you write down the shloka in a diary. So aap log ek diary maintain kar sakte ho. जिसमें यू राइट डाउन द श्लोकास एंड देन यू रिसाइट देम. उसको बार बार पढ़कर एंड द बेस्ट वे टू लर्न इज लाइक यजुश्री माताजी एंड जिवेशी माताजी डज. दो लोग इकट्ठे मिलकर जब उसको लर्न करोगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. ठीक है. जैसे सार्थक प्रभु जी यू एंड केशवी माताजी कैन लर्न टुगेदर है ना. ओके सो वील रिसाइट द श्लोका द होल श्लोका. यद अनुध्या. यद अनुध्या. अनुध्या. सिना युक्तः.
कर्म ग्रंथि निबंधनम निबंधनम छिन्दन्ति छिन्दन्ति कोविदास्तस्य कोविदास्तस्य कौन कुर्यात् कौन कुर्यात् कथारतिम कथारतिम परफेक्ट एक बार और ओके यद अनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य कौन कुर्यात् कथारतिम Hari bowls. Now we'll recite the meaning also. Okay? So all of you can repeat after me. With sword in hand. With sword in hand. Intelligent men. Intelligent men. Cut through the binding knots. Cut through the binding knots. Of reactionary work. Called karma. By remembering. The personality of Godhead. Therefore. Who will not. Pay attention to his message. Okay? यानी कि जो intelligent होता है, all the intelligent men, what they do is with the help of the sword. और वो sword क्या है? Krishna katha. With the help of that Krishna katha, they cut through the knots of the karmas. So who will be that non-intelligent, less intelligent person who would not listen to this message? Okay, so today's shloka is very interesting. You can learn this, you can recite it, then you can also think of instances jahan par aap ye shloka logo ke sath share kar sakte ho. Jab kya hota hai ki lot of times people are interested in mundane tha ye sath tak prabhu ji mata ji kashvi kehti ki ek bar na story dobara bata do main to gayi thi to main sun nahi pai ha sure Perfect. Let me do that. Okay. So the story began. Yahan se. Okay. So what do you see on the screen? Aapko screen pe kya dikh raha hai? Mata ji, voice is echoing. Sorry. जो उसने अटबरियां को खुद को निकालने की कोशिश कर रही है. हाँ, एक बिल्ली है जो अटक रही है ना? काश्वी माता जी, आपको दिख रहा है बेटा? एक बिल्ली है वो जो उससे खेल रही है वूल के साथ, जैसे भव्य माता जी ने बताया. और वो जितना खेल रही है वो उसके ना और फंसी जा रही है, यू नो, पहले वो लेफ्ट हैंड आगे करती है, फिर वो राइट हैंड आगे करती है, लेकिन वो और फंस जाती है उसके अंदर. तो हमारी सिचुएशन भी यही है कि हम अपने कर्म्स, अपने एक्शंस की वजह से, अपने कर्मास की वजह से, गुड कर्मास एंड बैड कर्मास, हम फंस जाते हैं. हाँ जी बेटा, कहीं ना जाना है तो मैं लीव कर सकती हूँ. हाँ, यश ना है माता जी. यस डेफिनेटली. सो जैसे ही बिल्ली, हरे कृष्णा, हैव अ गौरांगा डे बेटा. जैसे ही बिल्ली फंस गई, अगर हम फंस जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सो वी विल थिंक कि हम क्या करें अगर हम फंस गए हैं रस्सी के अंदर. तो हमें अचानक एक आइडिया आता है, हम क्या करेंगे, एक नाइफ लेकर आएंगे और इस नाइफ से रस्सी को कट कर देंगे. तो हमारी लाइफ में वो जो नाइफ है, वो नाइफ आर दी स्टोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, और जो रस्सी है दैट इज दी बंधन. वो बंधन है बेसिकली, इट इज व्हिच इज बाइंडिंग अस. सो दैट बंधन दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम आवर एक्शंस, हमारे गुड कर्मास और बैड कर्मास से जो एक्शन से जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उससे जो हमें कर्म हमें जो हम कर रहे हैं उससे जिस हम बंधे जा रहे हैं, that is that rassi, that is that knot.
उस नॉट को हम काट सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, भगवान को याद करकर हम उसको काट सकते हैं. ठीक है माताजी. हाँ जी बेटा. माताजी वो जो प्ले था जिसे आई एम सेसिंग था